हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। अपने आप में बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा है फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन, क्या होता है फ्रिक्शन? तो बच्चों जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि व्हाट इज अ फ्रिक्शन, तो हमेशा मुझे ज़्यादातर आंसर मिलता है इट इज़ अ फोर्स विच अपोजेज द मोशन। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है बच्चों। देखें, लेट अस से ये ब्लॉक है एक, इसको मैंने अपने हाथ पे रखा। डस्टर को मैं अपने हाथ को आगे ले जा रहा हूँ, तो क्या डस्टर भी चल रहा है मेरे हाथ के साथ? यस। मैंने पकड़ा तो नहीं है, इट इज जस्ट प्लेस्ड, मैंने ऐसे पकड़ तो नहीं रखा। तो डस्टर को कौन चला रहा है? मेरे हाथ और डस्टर के बीच में एक ही फोर्स हो सकता है जो चला रहा हो, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो मोशन को कॉज भी कर रहा है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो कॉज द मोशन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट कि फ्रिक्शन अपोजिज द मोशन इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग। ठीक है, क्या है फ्रिक्शन? कैन कॉज द मोशन, कैसे? चैप्टर में आगे करेंगे। अभी के लिए स्टेटमेंट करते हैं फ्रिक्शन का, क्या डेफिनेशन आएगा? वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स और टेंड्स टू मूव रिलेटिव टू द सरफेस, देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन them is called friction. Friction opposes relative motion. क्या है बच्चों? देखिए कहानी, जो ऐसे कि मैं आपको बता चुका हूं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि ये सरफेस है, ये ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट चलना चाह रहा है राइट साइड में, तो इसके मोशन को अपोज होगा। अभी के लिए यही याद रख लीजिए जो आपको बचपन में आता था, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, स्टेटमेंट गलत है, पर अभी के लिए काम चलाएंगे इसी से। ब्लॉक राइट साइड में जाना चाहता है, फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन किधर को लग जाएगा? लेफ्ट साइड, जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। तो फ्रिक्शन अब हो सकता है काफी ज्यादा हो तो ये ब्लॉक ना चल पाए, कम हो तो ब्लॉक चल जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि बॉडी मोशन में है तभी फ्रिक्शन लगेगा। या तो ऑब्जेक्ट चल रहा है या फिर केवल चलने की कोशिश भी कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा बच्चों। ठीक है, कब लगता है फ्रिक्शन? या तो बॉडी चल रही है या चलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रिक्शन को अफेक्ट कौन करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, किस किस पे डिपेंड करता है ये फ्रिक्शन? नंबर वन, नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस का मतलब क्या है? इसकी रफनेस या स्मूथनेस। ठीक है बच्चों, देखें कितना भी स्मूथ हो सरफेस, अगर आप उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होंगी ही होंगी। ठीक है, किसके अंडर देख रहे हैं? अंडर माइक्रोस्कोप। आपको वैसे देखने में नेकेड आई पे यू फील दैट यस इट्स वेरी स्मूथ, पर माइक्रोस्कोप के अंदर इरेगुलरिटीज होंगी। अब इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया एंड यू आर ट्राइंग टू मूव इट, ब्लॉक में भी इरेगुलरिटीज हैं, सरफेस पे भी इरेगुलरिटीज हैं, ये दोनों आपस में फंस जाएंगी, इंटरलॉक हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए सरफेस है,
इसमें ये ब्लॉक की इरेगुलरिटीज फंसती, अब आगे चलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, इसीलिए इस फ्रिक्शन को अपोज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर मोशन इस तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शन इसके मोशन के अपोजिट लगेगा। क्लियर हो गई बात बच्चों? तो नोट करें, हाउसोएवर स्मूथ द सरफेस मे बी, बट इफ वी सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप देयर आर श्योरली द इररेगुलरिटीज। Irregularities of the object and surface gets interlocked, and to overcome this interlocking force, external force has to be applied, and this force of interlocking is called friction. ठीक है बच्चों, जितनी ज्यादा rough उतना ज्यादा friction, जितना smooth उतनी कम friction. Clear हो गई बात? Second कौन affect करता है friction को? नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। कुछ बच्चे वेट के प्रोपोर्शनल कर देते हैं, बच्चों आपको पता है नॉर्मल और वेट हमेशा इक्वल नहीं होता, तो फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है, और फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एम। This is what mu, mu, mu. क्या है this mu? It is coefficient of friction. किस पे depend करता है? Nature of surface and object in कॉन्टैक्ट। तो हमने यही बोला है ना, फ्रिक्शन किस किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सरफेस, नॉर्मल पे। तो फ्रिक्शन नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो कांस्टेंट आ गया म्यू, क्या बोला जाता है इसको? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। किस किस पे डिपेंड करता है? जो दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में है, जिन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, उन दोनों पे डिपेंड करता है। सो फॉर गिवन पेयर म्यू कैसा होता है? कॉन्स्टेंट। हमेशा वैल्यू इसकी फिक्स नहीं है। गिवन पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बीच में इट इज कॉन्स्टेंट। ये जो म्यू होता है इट इज जनरली लेस देन वन, ग्रेटर देन जीरो, नॉट ऑलवेज बट जनरली। क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू आपको दी जाती है बच्चों। क्लियर हो गई बात? थर्ड जिस पे हमें लगता है फ्रिक्शन डिपेंड करेगी, एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमें ऐसा लगता है जितना ज्यादा ये सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में होगा उतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी, उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी, पर ये गलत है। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। फ्रिक्शन को एरिया से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन सा? नेचर ऑफ सरफेस एंड नॉर्मल रिएक्शन। ऐसा क्यों है देखें? फॉर एग्जाम्पल कहें ये एक ब्लॉक है सरफेस पे रखा, ये पूरा सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में, पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी इस पूरे एरिया में बटा हुआ है, काफी ज्यादा एरिया में बटा है नॉर्मल रिएक्शन। एक पर्टिकुलर एरिया में, यूनिट एरिया में थोड़ा नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो ज्यादा इंटरलॉकिंग ज्यादा नहीं होगी। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो अब इतना से एरिया कॉन्टेक्ट में, पर अब इसका नॉर्मल रिएक्शन तो एम जी के बराबर है, और वो सिर्फ इतने इतने एरिया पे लग रहा है, तो इंटरलॉकिंग स्ट्रांग होगी, तो कुल मिला के चीजें बैलेंस हो जाती हैं, तो एरिया से फर्क नहीं पड़ता। डायग्राम से भी अगर मैं बताऊं, एक बार नोट कीजिएगा इसको, ये डायग्राम्स को, तो देखें बच्चों, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये रफ सरफेस था, तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट ऐसे लगती है, एरिया ज्यादा कॉन्टेक्ट में है, ज्यादा इरेगुलरिटीज कॉन्टेक्ट में है, पर नॉर्मल भी तो इतनी पूरी जगह में
स्प्रेड होके बच्चों फैल रहा है। अगर आप इसको ऐसे करके रख दें तो इरेगुलरिटीज कम कॉन्टैक्ट में है और यहां से जो नॉर्मल लग रहा है वो कम में है, तो इरेगुलरिटीज जितनी है उनकी इंटरलॉकिंग स्ट्रॉन्ग है, तो फ्रिक्शन बैलेंस हो जाती है, एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों जल्दी से इसको आप सब नोट कर लीजिए। बच्चों आगे बात करने वाले हैं हम लोग किसकी, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। अलग अलग टाइप ऑफ फ्रिक्शन होती है। नंबर वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी ट्रिकी है ये। क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन, देखते हैं इसकी डेफिनेशन फिर इसको समझते हैं। Force of friction acting when an object tends to move relative to surface। ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, हेंस इट इज अ वेरिएबल फोर्स, देयरफोर इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। देखिए बच्चों क्या है कहानी इसमें, देखो ये एक रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। आप इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने इधर से फोर्स लगाया एफ, मान लीजिए ये फोर्स था 2 न्यूटन, ठीक है, और ये ब्लॉक नहीं चला, ब्लॉक नहीं चला, तो बच्चों इसका मतलब इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो, फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, इस फोर्स के अपोजिट, तो फ्रिक्शन भी कितना होना चाहिए 2 न्यूटन, ठीक है। आप इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अब आपने एक्सटर्नल फोर्स कर दिया 4 न्यूटन, ये ब्लॉक अभी भी नहीं चला, तो फ्रिक्शन अब कितना 4 न्यूटन, क्योंकि नेट फोर्स कितना होना है जीरो। इससे आपको दिख रहा है अभी ब्लॉक चल नहीं रहा, पर क्या कर रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव, चलने की कोशिश करे पर चल नहीं रहा, उस फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, आपके सामने 2 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन 2 न्यूटन, आपने 4 न्यूटन लगाया था तो फ्रिक्शन 4 न्यूटन, कौन सा फ्रिक्शन है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब वैल्यू वेरी कर रही है ना, दैट्स व्हाई इसका एक और नेम है कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो कहीं पे नाम लिखा हो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स तो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। बच्चों बढ़ा के आपने ये फोर्स कर दिया, मान लिए 8 न्यूटन, अभी भी नहीं चला, तो फ्रिक्शन स्टैटिक कितनी 8 न्यूटन। आपने फोर्स कर दिया 10 न्यूटन, अभी भी नहीं चला, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन। आई होप सबको बात समझ में आती है। आपने बढ़ा के फोर्स
बड़ा कर दिया, लिटल ग्रेटर देन 10। टेन से थोड़ा सा बड़ा, एक्सेलरेशन नॉन जीरो, दैट इज ब्लॉक चला, ब्लॉक स्टार्ट्स टू मूव, मतलब 10 से थोड़ा सा फोर्स पड़ाते ही ब्लॉक चल गया। यहां से क्या मतलब आता है, देयरफॉर एफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन। बच्चों ये एग्जांपल है, ऐसा ना याद कर लेना कि फ्रिक्शन स्टैटिक 10 ही होती, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगते ही चल गया ना, मतलब फ्रिक्शन 10 न्यूटन तक की फोर्स पे तो नहीं चलने दे रही, जब चल पा रहा है तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 न्यूटन। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। बच्चों ये कॉन्सेप्ट्स जो बात हो रही है, they are very very important to solve the questions, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। मतलब ये जो static friction की maximum value है, ये क्या है, limiting friction, इससे ज्यादा नहीं लग सकती है, ठीक है। तो बच्चों limiting static friction की maximum value is called limiting friction, ये क्या है, म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन, यहां से निकली फ्रिक्शन म्यू इनटू एल होती है। पर जब तक ये लॉक नहीं चल रहा, फ्रिक्शन किसके बराबर होगी, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी, उसके इक्वल होगी, ठीक है बच्चों। सेकेंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, ये बिल्कुल इजी है। ये कब लगती है, जब ऑब्जेक्ट एक्चुअल में मूव कर रहा हो ओवर द सरफेस, तब जो फ्रिक्शन लगती है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves relative to surface is called kinetic friction, ठीक है। एक्चुअल में चल रहा है बस, तब जो फ्रिक्शन लगेगी उसको काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसकी वैल्यू भी फिक्स है, फ्रिक्शन काइनेटिक कितनी होती है, म्यू काइनेटिक इनटू एन, ठीक है बच्चों। यहां तक बात समझ गए हैं आप सब, जरा इसको नोट करें। देखो बच्चों, तो अभी अभी आपने कहा स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होती है, इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। फिर आपने कहा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक इनटू एन होता है। फिर बच्चों हमने पढ़ा काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू काइनेटिक इनटू एन। ध्यान रखें जनरली क्या होता है, म्यू काइनेटिक इज लेस देन म्यू स्टैटिक, देयरफॉर फ्रिक्शन काइनेटिक इज लेस देन आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। हमेशा नहीं, जनरली है ये केस। इसको आप समझ भी सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगती है, आप कह रहे हैं कम है ना लिमिटिंग से, कब लगती है काइनेटिक फ्रिक्शन, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, लिमिटिंग कब लगती है, जब अभी चलने वाला है, फर्क है दोनों में।
मान लीजिए एक गड्ढा है, एक कार है, एक चलती हुई कार उस गड्ढी में से निकल गई और एक रुकी हुई कार है, उसके व्हील के आसपास गड्ढा कर दिया, बाहर निकालना है। किसको निकालना आसान है? जो कार चलती हुई आई, दैट मीन्स चलती हुई कार को गड्ढा, इंटरलॉकिंग्स, जो आपका रिजिस्ट करेगा मोशन को वो कम होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? रेजिस्टेंस जब गाड़ी चल रही है, इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन कम होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों ज्यादा होती है। समझ गए बात? नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ बिटवीन फोर्स एक्सटर्नल एंड फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों आपने। देखें क्या बनेगा, इधर है फ्रिक्शन, इधर है एक्सटर्नल फोर्स। बच्चों जब तक ऑब्जेक्ट नहीं चलता है तो एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन बराबर होते हैं। कौन सी फ्रिक्शन लगती है? स्टैटिक। तो जितना ये उतना ये, तो बिल्कुल बीचों बीच वाली लाइन पे चलेंगे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहां पे कहीं आके बच्चों ऐसा करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को इधर रखते हैं, फ्रिक्शन को इधर रखते हैं, ठीक है बच्चों। यहां पे कहीं आके मैक्सिमम वैल्यू हो गई, क्या है ये? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद ऑब्जेक्ट चल जाएगा, थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग, पर अब फ्रिक्शन कौन सी लगेगी? काइनेटिक, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है। तो अब आप ऑब्जेक्ट थोड़ा सा फोर्स बढ़ाते ही इट विल स्टार्ट टू मूव, पर अब फ्रिक्शन कौन सी लगेगी? काइनेटिक, इससे थोड़ी सी कम, ठीक है। तो दिस विल बी दी फ्रिक्शन, कौन सा? काइनेटिक। तो ये पूरे रेंज में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक। और ये जो पूरा आपका स्ट्रेट लाइन बना है, दिस इज फ्रिक्शन, स्टैटिक, और जो ये पीक है ये क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब एक छोटी सी बात बच्चों मैं आप लोगों से इसमें करना चाहता हूं। कभी आप ये देखें, अभी तक हमने ये बात करी है कि सरफेस अगर रफ होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा, स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम। आप कभी ट्रायल भी कर सकते हैं, किसी सरफेस को आप दो सरफेस लीजिए, उनको बहुत स्मूथ कर दीजिए आपस में, अब एक के ऊपर दूसरे को चलाएं, आप देखेंगे इजीली नहीं चलते। मीन्स बहुत ज्यादा स्मूथ कर देने पे फ्रिक्शन काफी बढ़ जाती है। इसका एक एग्जांपल है, ग्लास ले, कांच दूसरा, उसके ऊपर ग्लास रखे, एक ग्लास को दूसरे ग्लास के ऊपर चलाने की कोशिश करें, ग्लास बहुत स्मूथ होता है, वो चलाना बहुत मुश्किल होगा। मीन्स उनके बीच में अपोजिशन, रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। तो ये तो थ्योरी वायलेट हो जाती है। वैसे भी बच्चों ये जो अभी आपने पढ़ा, जो ये पूरी थ्योरी थी, दिस इज एन ओल्ड थ्योरी, दिस डज नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, पर हम इसी को लेके चलेंगे। हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस थ्योरी से सॉल्व हो जाएंगे, एनसीईआरटी के अंदर भी यही गिवन है, तो इसको लेके चलेंगे। एडिशनल नॉलेज के लिए याद रखें, फ्रिक्शन का जो एक्चुअल कॉज है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्चुअल कॉज क्या है? इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स। होता क्या है, जब एक ये सरफेस है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, ये आपस में बॉन्ड्स बना लेते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जब इसको आगे चलाना है तभी आगे चलेगा जब ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे, तो बॉन्ड्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जो कि फ्रिक्शन है, ठीक है। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब अगर सरफेस को बहुत ज्यादा बच्चों स्मूथ आप कर देते हैं तो ये बॉन्ड्स बहुत अच्छे से बन जाएंगे
और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफी ज्यादा हो जाएगा। यहीं से आप इस बात को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्यों कम है। जब ऑब्जेक्ट चल रहा है कंटिन्यूअसली, बॉन्ड्स ज्यादा नहीं बन पा रहे हैं, तो ज्यादा बॉन्ड्स नहीं तोड़ने हैं, रेजिस्टेंस उतना नहीं है। जब ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर रुका हुआ है तो ऑब्जेक्ट और सरफेस ने कई सारे बॉन्ड बना लिए हैं, अब एक बार चलाने के लिए उन बॉन्ड्स को तोड़ना होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। बच्चों फ्रिक्शन का थ्योरी इतना ही है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ढेर सारे सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर कर दिए जाएंगे। तब तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस करें। बाय बाय, टेक केयर।